हेलो एवरीवन, मैं अभिनव प्रसाद, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल नॉलेज शेयरिंग में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉन्कैटिनेशन के बारे में। आखिर ये कॉन्कैटिनेशन है क्या, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो आज हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया है और इसका रियल लाइफ से कोई लिंकेज नहीं, अगर होता भी है तो एक सिंपल कोइंसिडेंस होगा। तो देखिए, पहले कॉन्कैटिनेशन होता क्या वो समझते हैं। तो कॉन्कैटिनेशन क्या है, वो एक आपका टेक्स्ट फंक्शन है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो टेक्स्ट को फ्रॉम टू और मोर सेल्स इन टू अ सिंगल सेल्स। सपोज जैसे मेरा ये फर्स्ट नेम दिया हुआ सेल नंबर A2 में, और आपका देखिए सेल नंबर B2 में दिया हुआ है आपका लास्ट नेम, ठीक है। तो ये दोनों जो कंटेंट्स दिए हुए मेरे सेल A2 एंड सेल B2 में, उसको हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंगल सेल में, तो वो हम कॉन्कैटिनेशन फंक्शन का मदद से कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज, आप दो या दो से ज्यादा जो सेल्स होते हैं उसमें जो टेक्स्ट, उसको आप कंबाइन कर सकते हैं सिंगल सेल में। तो यहां पर देखिए, एक तो तरीका है कि आप एम्परसैंड का यूज कर सकते हो। एम्परसैंड जो होता है वो क्या है कि एक्सेल है उसको ट्रीट करता है एज अ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, ठीक है। एक तो इस तरीके से आप कर सकते हो ज्वाइनिंग, दूसरा आप कॉन्कैटिनेशन फंक्शन की मदद से कर सकते हो। तो हम दोनों सीखेंगे कि कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो पहले हम एम्परसैंड का यूज करेंगे। तो यहां पर हम इक्वल साइन देते हैं और इस पर्टिकुलर सेल रेफरेंस को मैं सेलेक्ट करता हूं, दैट इज सेल नंबर A2। उसके बाद में एम्परसैंड का सिंबल देता हूं, ठीक है, और हम ये वाले सेल को सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए हमारा रिजल्ट क्या आता है, और मैं एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए, अक्षय सिंह इसका फुल नेम है, बट देखिए यहाँ जो फर्स्ट नेम था और लास्ट नेम है उसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो वो हम कैसे लाएंगे, तो वो हम अब देखते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इक्वल साइन फिर से मैं देता हूँ, इस पर्टिकुलर सेल रेफरेंस को मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेल नंबर A2। उसके बाद मैं एम्परसैंड का सिंबल देता हूँ, डबल कोट्स के अंदर में मैं स्पेस बार को मैं प्रेस करता हूँ और ये डबल कोट्स में क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। फिर से मैं एम्परसैंड दिया और इस पर्टिकुलर सेल रेफरेंस सेल नंबर B2 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखो क्या हो रहा है, एम्परसैंड जो है सिंबल है, ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर की तरह काम करता है। ये क्या करेगा, आपका जो दो कंटेंट है और से दो जो सेल्स आपने सेलेक्ट उसको ज्वाइन करता है, ठीक है। तो यहां पर A2 है आपका सेल रेफरेंस, ठीक है, इसको एम्परसैंड मैंने सिंबल दिया, फिर डबल कोट्स के अंदर मैंने क्या किया, स्पेस बार को प्रेस किया। तो क्या कर रहा है कि ये A2 जो सेल है इसको ये एम्परसैंड ज्वाइन कर रहा है ये स्पेस के साथ, ठीक है। फिर इस स्पेस को मुझे ज्वाइन करना होगा सेल नंबर B2 के साथ, तो मैंने फिर देखिए डबल कोट्स जो देने के बाद मैंने क्या, फिर से एम्परसैंड का सिंबल दिया मैंने, उसके बाद मैंने B2 सेल सेलेक्ट किया। अब आप जब एंटर प्रेस करिएगा तो देखिए अक्षय सिंह जो फर्स्ट नेम था और लास्ट नेम के बीच में देखिए आपका स्पेस आ गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ डबल क्लिक करिए, ये जो फिल हैंडल देख रहे हैं इसको पकड़ के आप ड्रैग भी कर सकते हो, तो आपका फॉर्मूला क्या कॉपी हो गया बाकी सेल्स में, या फिर आप यहां पर डबल क्लिक करिए तो देखिए आपका फॉर्मूला बाकी सेल्स में भी कॉपी हो गया। तो ये तो तरीका है करने का, ठीक है। अब आपको मैं कॉन्कैटिनेशन फंक्शन की मदद से दिखाता हूं कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर हम क्या करेंगे, इक्वल साइन देते हैं, कॉन्कैटिनेट आ गया देखिए। उसके बाद आपसे देखिए ये जो आर्ग्यूमेंट नेम आपसे पूछ रहा है टेक्स्ट वन, तो हम इस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा देंगे, फिर ये वाले पर्टिकुलर सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, और अगर ब्रैकेट दैट इज पैरेंथेसिस क्लोज करिएगा तो देखिए रिजल्ट आपका क्या आता है। मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए फिर से क्या आ रहा है कि आपका जो नेम है उसके बीच में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में कोई स्पेस नहीं है, फाइन, बट मैं स्पेस चाहता हूँ तो हम क्या करेंगे, तो इसे मैं देखिए फिर से डिलीट कर देता हूँ, इक्वल साइन फिर से मैं देता हूँ, कॉन्कैटिनेट मैंने सेलेक्ट किया, ओके। उसके बाद मैं ये वाले सेल को सेलेक्ट करता हूँ, कॉमा दूंगा, फिर मैं डबल कोट्स के अंदर में क्या करूंगा, स्पेस बार प्रेस करता हूँ, डबल कोट्स क्लोज कर देता हूँ, फिर मैं कॉमा दूंगा और इस पर्टिकुलर सेल को मैं सेलेक्ट कर लूंगा और मैं पैरेंथेसिस क्लोज करता हूँ, एंटर प्रेस किया, देखिए अक्षय सिंह, अब इसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में देखिए स्पेस आ गया, और फिर से मैं इसे पकड़ के ड्रैग करता हूँ फिल हैंडल को, देखिए फॉर्मूला कॉपी हो गया बाकी सेल्स में, या फिर आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर डबल क्लिक करिए तो फॉर्मूला देखिए कॉपी हो गया आपके बाकी सेल्स में भी। तो इससे क्या फायदा होगा ये समझिए, कई बार हम गूगल फॉर्म्स वगैरह यूज करते हो जहां पर आप फर्स्ट नेम पूछते हो लास्ट नेम पूछते हो, है ना, उसके बाद आपके पास डेटा तो आ गया और आप चाहते हो कि यार मुझे फुल नेम चाहिए, तो आप इसकी मदद से आप ऑटोमेटिकली जितना भी डेटा रहे, चाहे 1000 डेटाज है आपके पास, तो फुल नेम आसानी से आप कर सकते हैं क्रिएट, और फिर उस डेटा को आप यूज करके आपको जो भी काम है आगे उसको आप प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका तरीका हुआ, बट देखिए एक चीज यहां पर क्या प्रॉब्लम होगा, ये तो आपका क्या फॉर्मूला हमने लगाया, अगर आप यहां कुछ भी चेंजेस करोगे तो यहां भी चेंजेस रिफ्लेक्ट होगी। आप चाहते हो कि यार मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं फुल नेम ही रखना चाहता हूं, ठीक है, तो आप क्या करिए, इस पूरे को कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद मैं यहां पर पेस्ट एज वैल्यूज कर दूंगा, तो उससे क्या फायदा होगा वो समझिए।
देखिए मैंने जब वैल्यूज प्रेस किया तब यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेल को मैं सिलेक्ट कर दूँ, कि फॉर्मूला आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, कंप्लीटली आपको अक्षय सिंह ही दिख रहा है ना, दैट इज आपको टेक्स्ट दिख रहा है। दोनों कॉलम को मैं डिलीट करता हूँ, दैट इज फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को, तो देखिए आपका इस फुल नेम में कोई चेंजेस नहीं होगा, देखिए अक्षय सिंह एज इट इज रहेगा। अब हम देखते हैं कि हम कैसे कंप्लीट एड्रेस, ये जो आप देख रहे हैं सेल्स, इसमें हम कंप्लीट एड्रेस कैसे क्रिएट करेंगे यूजिंग कॉन्कैटेनेशन फंक्शन। ठीक है, तो इसे मैं पहले कंट्रोल जेड कर देता हूँ। फाइन, देखो अब यहाँ पर क्या चीज़ है, कंप्लीट एड्रेस जो हम लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर स्ट्रीट नेम वाला सेल भी आएगा, सिटी नेम वाला सेल भी आपको ज्वाइन करना होगा, देन फिर आप स्टेट वाला जो सेल है उसे भी आपको ज्वाइन करना होगा, एंड पिन कोड वाले सेल को भी आपको ज्वाइन करना होगा। तो सोचिए यहाँ पर चार सेल्स हैं, तो आपके एम्परसैंड भी काफ़ी यूज होंगे इसमें, तो चांसेस है कि वहाँ गलत होने का आपको मतलब चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप क्या करिए कि डायरेक्टली कॉन्कैटेनेशन फंक्शन का यूज़ करिए। तो देखिए हम कैसे यूज़ करेंगे कॉन्कैटेनेशन, तो देखिए क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेट हम लिखते हैं। ठीक है, ये फंक्शन आ गया, दिस पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करेंगे, हम कॉमा देते हैं, ये वाले सेल को सेलेक्ट करते हैं कॉमा देंगे, फिर ये सेल को सेलेक्ट करेंगे कॉमा देंगे, और ये सेल को सेलेक्ट करते हैं, फिर हम पैरेंथेसिस क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करेंगे, तो देखिए रिजल्ट क्या शो करेगा। तो देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पर प्रॉब्लम, कि देखिए सारा जो आपका सेल्स आपने लिया था, सेल नंबर D2 E2 F2 एंड G2, तो ये देखिए क्या हो गया कि सारे सेल को ज्वाइन करने पर देखिए कहीं स्पेस नहीं है, है ना। और जब भी आप एड्रेस वगैरह लिखते होंगे तो आपने नोटिस किया हो कि आप स्ट्रीट नेम लिखे फिर कॉमा देते हैं, फिर थोड़ा सा आपका क्या होता है स्पेस रहता है, उसके बाद आप सिटी नेम लिखते हैं फिर आप कॉमा देंगे, फिर थोड़ा सा स्पेस होता है फिर आप स्टेट लिखते हैं, फिर आप कॉमा देते हैं फिर आपका थोड़ा सा स्पेस होता है, फिर आप क्या लिखते हैं पिन कोड लिखते हैं। तो उस टाइप का हम फॉर्मेट कैसे क्रिएट करेंगे, तो देखिए इसे मैं डिलीट कर देता हूं, फिर से मैं यहां पर इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया, इक्वल साइन मैंने दिया कॉन्कैटिनेट, यहां पर क्या करेंगे इस पर्टिकुलर सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा मैंने दिया, फिर डबल कोट्स के अंदर में मैं कॉमा दूंगा और स्पेस बार प्रेस करूंगा, डबल कोट्स मैंने क्लोज कर दिया, फिर से मैं कॉमा दूंगा, फिर मैं इस पर्टिकुलर सेल दैट इज सेल नंबर E2 को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा दूंगा, डबल कोट्स के अंदर मैं कॉमा दूंगा, फिर से स्पेस बार में प्रेस करूंगा, फिर डबल कोट्स मैं क्लोज कर देता हूं, फिर से मैं कॉमा दूंगा, इस पर्टिकुलर सेल को मैं सिलेक्ट करूंगा, कॉमा देता हूं मैं, फिर से मैं डबल कोट्स के अंदर में कॉमा, स्पेस बार मैंने प्रेस किया, डबल कोट्स मैंने क्लोज कर दिया, फिर से मैंने कॉमा दिया और इस पर्टिकुलर सेल को दैट इज सेल नंबर G2 को मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब हम पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, देखिए अब ये प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया, पार्क स्ट्रीट कॉमा मैंने दिया, फिर देखिए आपका क्या है ये सिटी नेम है, फिर देखिए आपका स्टेट का नेम आ गया, फिर आपका पिन कोड हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, बाकी हमें सेल में भी ये फॉर्मूला कॉपी करना है, तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, देखिए हमारा जो फॉर्मूला था बाकी सेल्स में भी कॉपी हो गया। तो देखिए कितना यूजफुल फंक्शन है ये कॉन्कैटिनेट, आपको सारा एड्रेस कंप्लीट एड्रेस तो आपने क्रिएट कर लिया, अब आप चाहते हो कि यार मुझे ये कोई भी स्ट्रीट नेम सिटी नेम और स्टेट और पिन कोड का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, बट नोटिस करो यहाँ पर क्या कि इस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करोगे तो फॉर्मूला बार पे देखो यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ, तो अगर आप कहीं भी कुछ चेंजेस करिएगा तो ये चेंजेस यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा। तो आप अब चाह रहे हो कि ये जो सेल दैट इज कॉलम डी कॉलम ई कॉलम एफ एंड कॉलम जी, इसका आपका रिक्वायरमेंट नहीं है, इसे आप डिलीट कर देना चाहते हो, कंप्लीट एड्रेस का जो कॉलम है वही आपके लिए फुलफिल करेगा बाकी रिक्वायरमेंट्स को, तो आप चाह रहे हो कि इसे डिलीट करना, तो उसके लिए आप क्या करिए कि इस पूरे रेंज ऑफ सेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए, कॉपी करिए एंड पेस्ट एज वैल्यूज कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि अब जो आपका ये सेल देखिए इसमें फॉर्मूला हट गया है ना, तो अगर आप कोई भी चेंजेस करिएगा यहाँ पर तो वो चेंजेस यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, तो अब उसके बाद आप इसे डिलीट कर दीजिए, तो देखिएगा आपका कंप्लीट एड्रेस में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। फाइन, तो देखिए अब आपका जितना रिक्वायरमेंट था डेटा आप उतना ही रखें, बाकी आप हटा दिया आपने। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये फंक्शन यूजफुल लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।